चल रहा है। हमने देखा है कि बुरहानपुर ही नहीं पूरा प्रदेश आपके मुख्यमंत्री बनने के पहले की हमारी क्या स्थिति थी। हमारा किसान हाहाकार, किसानों में हाहाकार मचा हुआ था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं था और लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए ही मिलता था। लेकिन हमारे दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हमारे घर घर तक नल से पानी और नल में जल मिले, इस तरह से जो चिंता करिए। और आज बुरहानपुर जिले ने वो मुकाम हासिल किया है कि हर घर तक नल से पानी मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लगभग 129 करोड़ रुपए की योजना तो आपने यहाँ पर दे दी, लेकिन घर घर तक नल तब से पानी तब पहुंचेगा जब, क्योंकि हमारे बुरहानपुर जिले में वाटर लेवल लगभग 1000 फीट तक चला गया है। इस वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से हमारे बुरहानपुर जिले में अनेक तालाबों का निर्माण किया गया, अनेक आपने सीरीज के अंदर स्टाफ डैम बनाए। तो इस वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए ताप्ती नदी में सीरीज में स्टाफ डैम बने और बिजोरी के अंदर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पर भी उसको स्वीकृति दे। और जिस तरह से खंडवा जिले के अंदर, खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंदर आपकी विशेष कृपा रही है, वहां पर नर्मदा मैया का नहरों के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का जो काम आपने किया है, उसके लिए मैं आपको संसदीय क्षेत्र की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। और जिससे निश्चित रूप से वाटर लेवल बढ़ा रहेगा, किसानों को उत्पादन लेने के लिए किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का जो संकल्प आपने लिया है, वो संकल्प हमको बुरहानपुर जिले के किसानों के खेत तक भी पानी पहुंचे, बुरहानपुर के किसान भी संपन्न रहे और जो हमारी महती योजना है इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जमीन में पानी रहेगा तो निश्चित रूप से ये योजना भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। और उसी के साथ साथ आपने यहाँ के उद्योगों को लगाने के लिए टेक्सटाइल पार्क के लिए भी बहुत सारी धनराशि आवंटित की है। अभी खड़कोट के अंदर जो आपके मुख्यमंत्री काल में ही खड़कोट रेहटा में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपने स्थापित करने के लिए बहुत सारी धनराशि की है और आज वहां पर कुछ लोगों ने आज भूमि पूजन करके उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। उसी प्रकार आपने सुखपुरी के लिए भी आपने प्रशासकीय स्वीकृति दी है, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति के साथ जल्द से जल्द वो काम भी हो। और क्योंकि अभी लागत भी बढ़ी है भाई साहब, तो इसमें जब से सुखपुरी की घोषणा आपने की है तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर तो बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोग भी यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है। मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि आप इस योजना को भी पुनरूप देंगे और बुरहानपुर जिले के किसानों के उत्थान के लिए भी यहाँ पर पानी किसान के खेत तक पहुंचे और ये नल जल योजना जो है, ये नल जल योजना मूर्त रूप साकार करे और हर घर तक के नल से पानी पहुंचेगा, मुझे ऐसा आशा और उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपने आशीष वचनों के लिए, और हम जो अनुबंध पत्र लाए मुख्यमंत्री जी को दिखाकर जोरदार स्वागत करेंगे, जो हमारी स्वयं सहायता की महिलाएं हैं। बोलिए भारत माता की, एक बार प्रेम से और जोर से बोले, घर घर पानी आया है। बोलिए भारत माता की, बुरहानपुर जिले की जनता की, ताप्ती मैया की, कार्यक्रम से जुड़े बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, इस मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, इस विभाग के मंत्री माननीय विजय सिंह यादव जी, इनके भाषण होने थे लेकिन चूंकि मुझे रीवा कार्यक्रम करके दिल्ली पहुंचना है, इसलिए दोनों मंत्रियों ने मुझसे कहा कि आप हमारा समय आप ही ले लो। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सुमित्रा काशडेकर जी, बुरहानपुर के विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा जी, हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, बहन गायत्री जी, बेटी मंजू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज लगवे जी, हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, किशोर जी, निर्मला प्रकाश जावरकर जी, अनिल भोसले जी, मनोज तारवाला जी, रामदास जी, अतुल जी, माधुरी पटेल जी, विजय जी, दिलीप जी, राजेश जी, अश्विन जी, विभाग के एसीएस मलय श्रीवास्तव जी,
पीएचई की पूरी टीम और इस कार्यक्रम में केवल यहां नहीं कई गांवों में केवल बुरहानपुर जिले के नहीं पूरे मध्य प्रदेश के कई गांवों में जुड़े हुए मेरी बहनों मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के मामा का राम राम आप सबको प्रणाम। आज मेरे प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है मन आनंद से भरा हुआ है एक संकल्प था जो पूरा हुआ है एक सपना था जो साकार हुआ है। आज बुरहानपुर पहला जिला है जिसके हर गांव में नल से जल पहुंच चुका है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबका अभिनंदन करता हूं मैं जिला प्रशासन की टीम का भी स्वागत करता हूं पीएचई की टीम का भी स्वागत करता हूं और आप सब बहन और भाई ना था जो साकार हुआ है। आज बुरहानपुर पहला जिला है जिसके हर गांव में नल से जल पहुंच चुका है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबका अभिनंदन करता हूं मैं जिला प्रशासन की टीम का भी स्वागत करता हूं पीएचई की टीम का भी स्वागत करता हूं और आप सब बहन और भाई अर्चना जी यहां बैठी हुई है गांव गांव में जल समितियां बना के पानी बचाने का काम की जुगाड़ में लग जाता था और गर्मी के दिनों में पहले कुओं से पानी कई गांव में झिरियों का पानी और उसके बाद फिर हैंडपंप का पानी और मेरी बहनों हैंडपंप भी पानी भरने अगर भेजती थी तो बेटे को वो नहीं भेजती थी बेटी से कहती थी जा पानी भर ला तो मेरी बेटी दिन दिन भर पानी भरती रहती थी। गर्मी में पानी नीचे चला जाता था हैंडपंप सूख जाते थे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जल जीवन मिशन बना प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया आधा पैसा केंद्र का और आधा पैसा राज्य सरकार का दोनों लगा के आज पूरे बुरहानपुर के हर गांव में घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने के पानी को देने का सपना साकार हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां।